खास खबरें पर। लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। जनवी कशीर हंदिस बेच बेड़स में डॉक्टरों तरफ थकन लायक कम शहरगाम तारीफ महकम तरफ डॉक्टर हंदिस हौसला अफजाई। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ हालात खराब करनी कोशिश ठेकदर नौजवान तो आम लूक मिल्टेंट हंदिस नावस पे तंग कर महबूबा मुफ्ती। तो मुतहद मजलिस उलमा तरफ श्रीनगर इस्तकबाल रमजान तकरीब सन्ज रोजदारी सकवा तो परहेजगारी सेठा जरूरी उलमा। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। जुनूबी कशीर हंदिस सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल बिजबेड़स मंज ये रात बुनियल यनस दौरान हस्पतालस मंज तैनात डॉक्टरों तो अमल तरफ सर्जरी अमल मंज अन्न आई तो वीडियो सोशल मीडिया पे सेठ मकबूल सपुद तचो आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीरन सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल लुक दौरे कोरमुत यत दौरान तिमो डॉक्टरन तो अमल हौसला अफजाई करान वोन जे महकमे सेहतस मंज काम करन वालो डॉक्टरों तो दोयमे अमल तरफ चे प्रेत विजि पनि फरज चुक सान अंजाम दिन यवान तो ये वजह चु जुलजमो तरफ चे रात ते पनि इंसानी फरज अंजाम दिन आम यल जन आत मौकस पे डॉक्टरन तो अमल हौसला अफजाई ते करना आए। देखिए आज मैं इसीलिए आया हूं कि आपने कल देखा होगा कि कितना जाफिशानी के साथ हमारे लोगों ने काम किया, चाहे जो भी हमारा टीम था एक सफाई वाले से लेके डॉक्टर पैरामेडिकल नर्स हमारे लैब टेक्नीशियन इवन जनरेटर ऑपरेटर हर कोई वहाँ ही रहा। चाहे आपने देखा कि ये जो 7.7 ये भोचाल जो आया था जो अर्थक्वेक हुआ था उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने पेशेंट को नहीं छोड़ा, वो वहाँ ही रहे। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि वो उसको दिलासा मदारा भी दे रहे थे, वो उसको ये भी कह रहे थे कोई बात नहीं हम यहाँ ही या कुछ नहीं होगा, और उन्होंने दोनों जाने बचाई। आई सल्यूट देयर डेडिकेशन एंड आई सल्यूट देयर करेज। उन्होंने अपनी जान की सोचे बगैर पेशेंट की जान की सोची, और आज हम इसी सिलसिले में आए हमने उनको फेलिसिटेट किया, उनको मोमेंटोस दिया और उनको अप्रिशिएट किया। और मैं यही चाहता हूं कि हर एक जो हमारा हालांकि आपने देखा कि भी हमारे जो डॉक्टर्स थे पैरामेडिक्स थे ड्राइवर्स थे जो भी हेल्थ के साथ था उसने अपने जान या अपने घर वालों के जान की परवाह किए बगैर तब भी पूरा अपना जो दिया, और आज भी उन्होंने एक और बारी दिखा दिया कि हमारे लिए हमारी जान से भी ज़रूरी हमारा पेशेंट है। और मैं बहुत अच्छा लगा कि वो माँ भी सेफ है और वो बच्चा भी सेफ है। सर अवार्ड जो पहला हमारे भारत में टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट वो बड़गाम था, और बड़गाम के बाद अब ये अनंतनाग और पुलवामा टीबी फ्री हो रहे हैं। इसके बगैर भी श्रीनगर को गोल्ड मिल रहा है और हमारी यूटी को भी कल अप्रिशिएट किया जाएगा। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी उनको हमारे सेक्रेटरी साहब को अप्रिशिएट करेंगे इस बात पर। थैंक यू सर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती च मिल्टेंसी मुखालिफ कार्रवाईन हवाले कथ करान वोनमुत जे अथ कार्रवाई हंदिस नावस पे ठेकदर तंग तलब करने यवान यम सत आम लूक ते मुश्किलन मंज हेन च आमुत यल जन तिमो वोन जे सरकार च जानित मानित जम्मू कशीर मंज माहौल खराब करनच कोशिश करान। देखिए एक तरफ से महिल चौकसी है जो हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गया है, और उसकी जो सीबीआई ने जो उसकी रेड अलर्ट नोटिस था उसको भी विड्रॉ कर लिया है। तो दूसरी इसी तरह अडानी का किस्सा है जो लाखों करोड़ रुपए लेके इस वक्त वो बैठा हुआ है। दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो काम करते हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि आप चाहते क्या हो जम्मू कश्मीर में करना। अगर कोई किसी ने मिलिटेंट था उसने मिलिटेंसी छोड़ के मेन स्ट्रीम में आ गया, पिछले 10-30 साल से वो ठेकेदारी का काम कर रहा है, या किसी का दूर दराज रिश्तेदार कभी मिलिटेंट रहा है जो मारा गया है, तो आप उनकी क्राइम ब्रांच से इन्वेस्टिगेशन करवा के उनको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। यहाँ से एक तरफ से आपने एपटेक जैसी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको एम्प्लॉय किया, दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में आपने जो
अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं उसको जुर्म बना दिया है। तो यहाँ के ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया, आज भी कोई 300-350 को ब्लैक लिस्ट किया कि उनका कोई रिश्तेदार मिलिटेंट रहा है, वो दुनिया में है भी नहीं। उससे पहले 40-50 को किया कि वो कभी मिलिटेंट रहे, उन्होंने मिलिटेंट से छोड़ के मेन स्ट्रीम में। तो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट, क्या चाहती है, लोग क्या करें? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती है जिन लोगों ने बंदूक छोड़ के मेन स्ट्रीम ज्वाइन की या जिनका कोई रिश्तेदार मिलिटेंट रहा है, ये इनको मजबूर करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू पुश देम टू द वॉल। ये चाहते हैं यहाँ खून खराबा हो, यहाँ माहौल खराब रहे, ताकि इनको यहाँ सख्ती करने का और ज्यादा मौका मिले। तो इसलिए मैं यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन से उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप इस तरह इतनी नाइंसाफी, और 2018 से पहले जिन ठेकेदारों ने जो भी काम किए थे वो भी तो सरकार थी, वो तो कोई चाइना से आई हुई सरकार नहीं थी, यहाँ के लोगों की चुनी हुई सरकार थी। अगर ठेकेदारों ने काम किए हैं तो उनके बिल क्यों रोके, उनका पैसा क्यों नहीं, पेमेंट क्यों नहीं की जाती है? तो एक तरफ से आपका किरण पटेल है, एक ठग गुजरात से आया, उसको आप पूरा प्रोटोकॉल देते हो, उसको जेड प्लस सिक्योरिटी देते हो, उसके चाहे पुलिस के अफसर हैं या दूसरे अफसर हैं उसके बैकएंड कॉल पे होते हैं, उसका हुक्म चलता है। इसी तरह आपने यहाँ कई किरण पटेल बनाए हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जिनको पूरी अथॉरिटी दी गई है, उन्होंने दुनिया भर का पैसा यहाँ जमा किया हुआ है, और अब लोग उनसे पैसा भी वापस नहीं मांगते क्योंकि डर लगता है कि आप पैसा वापस मांगेंगे ये ठग हमें जेल में डाल देंगे। आपको पता है वो कौन से ठग हैं? एक तो ग्रेटर कश्मीर में भी काम करता था, ऐसे कई लोग हैं। एक तो यहाँ चश्माशाही में उसका 3-3.5 करोड़ रुपया तो उसका किराया बनता है। ऐसे कई ठग हैं जिनको ये पैटर्नाइज करते हैं। और दूसरी तरफ से ये यहाँ के जो आम लोग हैं, चाहे वो ठेकेदार है चाहे जर्नलिस्ट है, उसके नाक में दंग कर रखा है, उनको काम नहीं करने देते हैं। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी, ये तो निमोक तिजारती वक्फ।